देश और दुनिया में बढ़ती जनसंख्या को लेकर तरह तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यूरोपीय यूनियन के जनसंख्या घनत्व के आंकड़ों के हवाले से दुनिया का एक 3D नक्शा जारी किया है, जिसने भारत के संदर्भ में चौंकाने वाली तस्वीर पैदा की है। इस नक्शे के मुताबिक भारत की 138 करोड़ जनता चीन के कुल भूभाग के एक तिहाई हिस्से में रहती है। आसान भाषा में कहें तो चीन का भूभाग इतना बड़ा है जहां तीन तीन भारत बसाया जा सकता है, जबकि चीन की आबादी भारत से थोड़ी ही ज्यादा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ओर से जारी तस्वीरों में साफ तौर पर क्लस्टर देख सकते हैं, जैसे कि मुंबई, नई दिल्ली और कोलकाता। इस रिपोर्ट में जारी भारत की 3D तस्वीरों से दुनिया के दूसरे मुल्कों की तुलना करें तो पता लगता है कि भारत बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला देश है। वैसे स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट बताती है कि देश की आबादी के साथ साथ जनसंख्या घनत्व पिछले 10 सालों में जबरदस्त तरीके से बढ़ा है और जुलाई 2019 में देश में औसतन 1 वर्ग किलोमीटर में 411 लोग रह रहे हैं। 2011 में यही आंकड़ा 386 था। सबसे खराब स्थिति दिल्ली में है, जहां 1 वर्ग किलोमीटर में 13,446 लोग रहते हैं। चंडीगढ़ दूसरे नंबर पर है, जहां 1 वर्ग किलोमीटर में 10,386 लोग रहते हैं। पुडुचेरी में जनसंख्या घनत्व 5,153, बिहार में 1,276, पश्चिम बंगाल में 1,094, उत्तर प्रदेश में 938 और केरल में 905 है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है, जहां 1 वर्ग किलोमीटर में केवल 18 लोग रहते हैं। स्टैटिस्टा वेबसाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में जनसंख्या घनत्व के मामले में भारत 27वें स्थान पर आता है, लेकिन चीन के अलावा बाकी सभी मुल्क बेहद छोटे मुल्क हैं। बता दें कि इसी वेबसाइट के मुताबिक चीन का जनसंख्या घनत्व 671 है। जाहिर है चीन के मुकाबले भारत कम विकसित देश है और यहाँ गरीबी ज्यादा है। ऐसे में घनत्व बढ़ने के साथ साथ देश के संसाधनों पर भार ज्यादा पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।